एक वक्त था जब शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दों पर खुलकर बोला करती थी, लेकिन आज हालात ये है कि पार्टी के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को बार बार बोलना पड़ रहा है कि उन्होंने हिंदुत्व को छोड़ा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बाद अब पार्टी की विचारधारा गुम हो गई है और अब शिवसेना कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए पार्टी की उस विचारधारा को ही छोड़ दिया जिसके बदौलत आज वो सत्ता में है। शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे बांग्लादेशी तथा पाकिस्तानी घुसपैठियों को देश से बाहर खदेड़ने को लेकर जो बात कही थी, उनके भतीजे राज ठाकरे तथा उनकी पार्टी MNS ने उसको अंजाम तक पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया है। खबर के मुताबिक राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता मुंबई में अवैध घुसपैठियों की धरपकड़ अपने स्टाइल में कर रहे हैं। राज ठाकरे के इस कैंपेन का असर ये हुआ कि मुंबई में रह रहे घुसपैठियों में खौफ का मंजर है। दरअसल राज ठाकरे की पार्टी MNS के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के अलग अलग इलाकों से 50 से ज़्यादा बांग्लादेशियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। इसके बाद राज्य में प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने MNS के इस कदम का राष्ट्रहित के नाम पर स्वागत किया है। राष्ट्रहित के लिए MNS के इस अभियान की BJP द्वारा तारीफ किए जाने के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या आने वाले समय में BJP और MNS एक नई राजनीतिक समीकरण को जन्म देगी। बहरहाल मुंबई और देश से घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने का जो सपना बाला साहेब ठाकरे ने देखा था, उसे राज ठाकरे अंजाम देते दिख रहे हैं। लेकिन आज जब उद्धव ठाकरे सत्ता में हैं, तब कांग्रेस के दबाव में आकर वे खामोश हैं, लेकिन राज ठाकरे ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।